So in the stereochemistry, in the earlier lectures, we have discussed the convergence factors, how to convert the Fischer projection formula to the Newman projection formula and the Newman projection formula to the Sauer's projection formula. Okay, so it is these three projection formulas are the interconvertible to one another. इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ओके और लास्ट में जब जो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे जो भी हम पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में जब रिएक्शन करनी होंगी उस टाइम में हम जो है उसको जो है सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में लिखेंगे और बाद में उसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे. तो ये कन्वर्जन अगर जो आपको आ गया तो आपको जो है रिएक्शंस करने में आसानी होगी. अब इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूलर कायरलिटी ओके. अभी कायरल सेंटर किसको बोलते हैं हम, कायरल कार्बन किसको बोलेंगे, हमने वर्ड सुना है कायरल कार्बन ओके. आप चिराल कार्बन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग उसको. कायरल कार्बन का जो है वर्ड है क्या है कि कोई आइटम ओके कार्बन आइटम्स फोर डिफरेंट ग्रुप को अगर जो अटैच है फोर डिफरेंट ग्रुप को तो हम उसको कायरल कार्बन बोलते हैं ओके. कायरल कार्बन को दूसरा असिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं ओके. असिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन आइटम्स को, तो ऐसे टाइम में हम क्या बोलते हैं कायरल कार्बन. तो मॉलिक्यूलर कायरलिटी अब बात कर रहे हैं हम पूरे मॉलिक्यूल की ओके. मॉलिक्यूल की तो मॉलिक्यूलर कायरलिटी को क्या बोलेंगे फिर, मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कॉन्फिगरेशन. वन इज द मिरर इमेजेस ऑफ ईच दैट इज द इनेंशियोमर्स एंड अदर नॉन सुपर इम्पोजेबल इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इनेंशियोमर्स. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया वाला है देखिए. अभी यहाँ पर एक मेजो टार्टारिक एसिड ओके. अभी मेजो वर्ड के यूज किए गए ये भी समझना बहुत जरूरी है ओके. टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर है मेजो. मेजो मीन्स क्या हो गया, अगर जो इसको आप जो है मिरर इमेज में देखेंगे ओके तो मिरर इमेज में जो है आपको आइडेंटिकल मिरर मिलेगी, आइडेंटिकल. और आइडेंटिकल जो कंपाउंड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड को मेजो कंपाउंड्स बोलते हैं ओके. क्यों, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर के अंदर अगर जो आप यहाँ से उसकी मिरर इमेज को देखेंगे तो कहीं से भी तो आपको ये ऊपर सी ओ एच ग्रुप है, सेम सी ओ एच ग्रुप नीचे है ओके. ऊपर ओ एच है नीचे ओ एच. अगर जो आप इसको क्या करते हैं फ्रैगमेंट इसको जो है कट करते हैं ओके, इसमें से प्लेन पास करते हैं कोई ओके, तो प्लेन पास करने के बाद आपको जो है सिमिलर आइडेंटिकल टू पार्ट्स मिलेंगे. तो सिमिलर आइडेंटिकल पार्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ द मेजो कंपाउंड. ये मेजो कंपाउंड की पहचान रहेंगी ओके, सिमिलर मिलेंगे तो हम उसको मेजो कंपाउंड बोलते हैं. प्लेन पास होता है, प्लेन पास होने के बाद उसमें टू सिमिलर जो है फ्रेगमेंट मिलते हैं कि जो आप नहीं बोल सकते, पहचान नहीं सकते, जो सिमिलर दिख रहे हैं, तो ऐसे टाइम में उसको मेजो टार्टारिक एसिड बोलेंगे. नेक्स्ट है बायफिनिल कंपाउंड्स. बायफिनिल कंपाउंड में भी दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ओके. उसके बाद एक एलीन ओके. एलीन में डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड में लास्ट में टर्मिनल में सब्स्टिट्यूएंट है. वो सब्स्टिट्यूएंट कैसे है, ए ए और बी बी टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है. तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे फिर, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे. अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मेजो टार्टारिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलेंगे, जिसके अंदर से अगर जो हमने प्लेन पास किए, प्लेन पास करने के बाद टू सेम अगर जो नहीं मिलते हैं, प्लेन पास होने के बाद आइडेंटिकल इमेज नहीं मिलते हैं, तो आइडेंटिकल नहीं मिलते हैं तब उस मॉलिक्यूल को हम एक्टिव बोलते हैं. लेकिन अगर जो आइडेंटिकल मिलते हैं तो मेजो कंपाउंड, तो मेजो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकली क्या रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. मेजो कंपाउंड्स को हमेशा के लिए याद रखिए कि मेजो कंपाउंड इज द मेजो टार्टारिक एसिड इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव टाइप ऑफ द कंपाउंड्स अंडर सर्टन कंडीशंस. अब देखिए यहाँ पे सम कंपाउंड डू नॉट कंटेन एनी कायरल कंटेंट्स बट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव.
एग्जाम्पल बायोफिनिल कंपाउंड एंड एलिन्स। आप देखिए यहाँ पे बायोफिनिल कंपाउंड्स क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। अब एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्यों बोले यहाँ पे, इसको यहाँ पे रोटेट करने के बाद में भी, ओके रोटेट करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री आपको यहाँ पे मिलेंगी नहीं। ओके जब सिमेट्री कोई नहीं मिलती है, इसका मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेंगे। ये मेजो टार्टरिक एसिड के अंदर एक सिमेट्री मिलती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन पास होता है, प्लेन पास होने के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है। लेकिन बायोफिनिल कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती, कोई भी एंगल की सिमेट्री नहीं मिलती, एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, रोटेशन, ओके रोटेशनल सिमेट्री कोई भी टाइप के वहाँ पर आपको प्लेन वगैरह पास नहीं होता है। तो ऐसे केस में ये कंपाउंड क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला है, एक और एक उसके अंदर है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट कंडीशन, इसमें कंडीशन कुछ भी नहीं है और ऑप्टिकली एक्टिव है और इसके अंदर कायरल कार्बन है, थर्ड वाला कार्बन। अब ये जो एलिन्स है, एलिन्स के अंदर ऑड और इवन वाला फार्मूला आता है, ऑड और इवन। अब यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर, 3 है, 2 है या 3 है, 2 है ना। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तो ये क्या हो गया, ये हो गए इवन नंबर वाले एलिन्स। ओके तो इवन भी आते हैं ऑड भी आते हैं, तो इवन और ऑड के बेसिस पे भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवन होने के बाद, अब इवन अगर जो होंगे तब क्या होगा, पहला बॉन्ड जो है अगर जो फ्लैट है तो दूसरा बार क्या रहेगा, वर्टिकल टाइप्स का रहेगा। ओके दो उंगलियों का अगर जोड़ते हैं आप, उंगलियों को जोड़ने के बाद क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद आपको जो क्या समझ में आता है कि एक अगर जो पत्ता है तो दूसरा उसके अपोजिट साइड में रहेगा। ओके दो रहे तो तीसरा रहे तो क्या रहेगा, सेम फर्स्ट के अपोजिट सेकंड रहता है और फर्स्ट सेकंड के बाद उसका अपोजिट थर्ड रहता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड वाले दोनों भी सेम टाइप के दिखते हैं। तो ऐसे केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड वाला जो है अलिन्स, ये भी क्या हो गया यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिविटी को बता रहा है, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोले हैं। द मेन क्राइटेरिया फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज दैट द मॉलिक्यूल्स एज अ होल मस्ट बी अ कायरल। ओके मेन क्राइटेरिया फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल कायरलिटी कैन बी डिफाइंड एज कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय वेदर द मॉलिक्यूल इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस एंड इफ द मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजिबल देन द मॉलिक्यूल इज कायरल एंड द कायरल मॉलिक्यूल इज द डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो ये कंडीशंस हैं समझने के लिए कि मॉलिक्यूल की कायरलिटी हम किस तरह से निकालेंगे। अभी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सिमेट्री कैसे निकालते हैं। ओके तो सिमेट्री से हमको पता चल, उसमें अलग अलग सिमेट्रीज होती है। ओके सिमेट्री का कैसा निकालेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके दूसरा पार्ट है यहाँ पे सिमेट्री कौन कौन से, सेंटर ऑफ द सिमेट्री, और तीसरा पार्ट है यहाँ पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो तीन टाइप्स के सिमेट्री हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सिमेट्री किसको बोलेंगे जनरली, अगर जो कोई चीज़ को दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में कट करते हैं, कट करने के बाद आप दोनों में कोई भी डिफरेंस ढूंढ नहीं सकते, दोनों भी आपको एक सेम दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सिमेट्रिक वन, इट इज अ सिमेट्रिक वन, ऐसा बोल के बोलेंगे हम लोग। ओके यानी कट करने के बाद उसमें कोई आपको फर्क नहीं दिखना, कोई कम ज्यादा नहीं दिखना, सेम आइडेंटिकल दिखना, तो उस टाइम। ओके तो उस टाइम में हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर सिमेट्री है कट करने के बाद, जैसा कि ब्लैक बोर्ड है हमारा स्कूल में, सॉरी कॉलेज में हम जो ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, तो उसको अगर सेंटर से बराबर कट किए तो आपको दो सेम पार्ट मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो प्लेन पास करने के बाद, अभी अब प्लेन कैसा, फॉर एग्जांपल मिरर इमेज रख दिया आपने, ओके मिरर रख दिया इन बिटवीन, मिरर दोनों सेम मिरर इमेजेस आपको मिल रहे हैं, ओके मिरर इमेजेस, ओके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो उस टाइम में आप क्या बोलेंगे उसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ताकि यहाँ पे मॉलिक्यूल देखिए, अभी ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर देखो, ऊपर सी ओ एच है, ये नीचे भी यहाँ पे सी ओ एच है, एच ओ एच यहाँ पे जो है इसके जो ग्रुप है। ओके अब ये दो स्टार है, दो स्टार के बीच में से अगर जो आप प्लेन पास करते हैं, यानी जो स्टार है दो, ओके मेजो टार्टारिक एसिड वाले, यहाँ पे से अगर जो है बॉन्ड को कट करते हैं आप, ओके हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो आपको ऊपर एक पार्ट मिलेगा, दैट इज एच। ओके सी
और सी ओ एच ओ एच वाला नीचे एक पार्ट मिलेगा, एच सी सी ओ एच ओ एच वाला, ये जो दो पार्ट सेम पार्ट मिलेंगे आपको, ये जो दो दोनों भी सेम पार्ट है ना, तो ये क्या है, दोनों आइडेंटिकल टाइप्स के पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे भी टार्टरिक एसिड में भी वैसा ही है, यहाँ पे भी इसको आधा जो यहाँ से कट किए, कट करने के बाद यहाँ पे भी जो है एक सी एच ओ एच मिलेगा, इधर सी ओ एच मिलेगा, और यहाँ पे भी इसको एक सी एच ओ एच सी ओ एच, ये सिमिलर पार्ट में आप इसको कट करने के बाद आपको दो सेम पार्ट मिले, तो इसको सिमेट्रिक पार्ट हम बोल सकते हैं। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन किया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ए और जो स्ट्रक्चर बी दोनों है, इसके बीच में मिरर इमेजेस रखेंगे, तो मिरर रखने के बाद इसकी मिरर मिरर इमेज उतरेंगी आगे। ओके, इसकी मिरर इमेज इमेज जो है मिरर के अंदर उतरेंगे, तो क्या हो गया, ओ एच राइट साइड में था तो इसके ओ एच लेफ्ट में आ जाएगा, इसका एच राइट में था तो इसका एच लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये दो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड, ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फिर आप कौन सा टाइप के स्ट्रक्चर बोलेंगे, बोलो। सिमेट्रिकल। और ये जो है एक इनैंशियोमर भी है। ओके, क्यों, तो इसके जो है बहुत मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर जो कट करेंगे आप देखिए, ये तो मिरर इमेज है, कट नहीं कर रहे हम, इसके मिरर इमेज देख रहे हैं, लेकिन अगर जो कोई भी फॉर एग्जांपल ए स्ट्रक्चर है, ओके, ए स्ट्रक्चर को आप कट करते हैं, दो स्टार लगाते हैं सेंटर कार्बन से कट करते हैं, तो दोनों सेम पार्ट आपको नहीं मिलते हैं। ओके, अभी जब 1 मिनट में आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से आप हम जो इसको कट कर रहे हैं, यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद आपको दो पार्ट मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ये पार्ट एक हो गया इधर वाला, ये एक पार्ट हो गया, और इधर वाला ये दूसरा पार्ट हो गया, दो पार्ट। अब दोनों को पार्ट को आप सिमिलर बोल सकते हैं क्या, कैसे नहीं बोल सकते, कि तो देखिए ये पार्ट के इधर एच है तो इधर ओ एच है, सिमिलर है क्या, नहीं है, इधर ओ एच है इधर एच है क्या, नहीं, इधर ओ एच नहीं, दोनों डिफरेंट पार्ट है, ये भले ही सी ओ एच है इधर सी ओ एच है, लेकिन एच और ओ एच सिमिलर नहीं है, तो ऐसे टाइम में इसको आप हम जो है मेजो कंपाउंड नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा आपको। तो ये जो कंपाउंड रहेंगे इसकी मिरर इमेजेस क्या रहेंगे, इनैंशियोमर रहेंगे। और आपको और एक स्ट्रक्चर ऊपर का स्ट्रक्चर फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर, ओके, ये स्ट्रक्चर के अंदर आप समझिए, अभी ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ये एक यहाँ से कट किया इसको, ओके, अभी कट करने के बाद हमको इसके दो टुकड़े कर दिए, दो फ्रेगमेंट कर दिए, यहाँ से प्लेन पास किए, प्लेन पास करने के बाद एक फ्रेगमेंट का एट द सेम टाइम ये एक फ्रेगमेंट बन गया इधर का। ओके, आप दोनों को देखेंगे तो आप दोनों सेम दिखेंगे, आप क्यों दिखेंगे, देखिए यहाँ पे ओ एच है तो यहाँ पर भी ओ एच है, यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी एच है, यहाँ पे सी ओ एच है, तो ऐसे केस में कोई मॉलिक्यूल को आप प्लेन पास करते कट करते हैं, उस टाइम में आपको दो सिमिलर आइडेंटिकल पार्ट मिलते हैं, तो वो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब वहाँ से उसमें क्या है, सिमेट्री है, तो क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल हैविंग द सिमेट्री। तो मेजो टार्टरिक एसिड क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। अब हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से हमने इसको कट किए, ओके, कट करने के बाद देखिए हमको ये एक फ्रेगमेंट मिला और ये एक फ्रेगमेंट मिला। अब देखिए फ्रेगमेंट के इधर ओ एच है, इधर भी ओ एच है, इधर सी ओ एच है, इधर सी ओ एच है, क्या बोल सकते हैं फिर इसको, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक यानी इसको कट करने के बाद आपको सेम मिल रहे हैं। ओके, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिमेट्रिक वन। समझ में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से देखते हैं, तो हेलो
समझ में आया क्या आपके? मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो। यस सर, समझा। अरे आपका रिप्लाई नहीं आया तो मुझे क्या लगता है आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो मेजो कंपाउंड समझ में आया ना, जिसके अंदर से प्लेन पास होता है उसको मेजो कंपाउंड बोलते हैं। जो मेजो कंपाउंड होते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, ये सिंपल सी बात आप याद रखो। ओके, अब जो मेजो कंपाउंड नहीं रहते वो इनानशियोमर हो सकते हैं। ओके, मेजो कंपाउंड इनानशियोमर नहीं शो करता। ये दो तीन कंसेप्ट जो है एक दूसरे से आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड क्या शो करता है। उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे आप? सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसा निकालेंगे? मॉलिक्यूल का सेंटर कंसीडर करना पड़ेगा। सिमेट्री यानी जो पार्ट इधर दिखेगा वो पार्ट उधर दिखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए, आप सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसीडर करते हो, जैसा कि देखिए सी ओ ओ एच है और ये भी सी ओ ओ एच है। सी ओ एच हो गया, दोनों पार्ट इधर भी सेम है। यहाँ पे देखो ये सी एस थ्री है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये सेम सी एस थ्री वाला पार्ट है। ओके, उसके बाद इधर इधर हाइड्रोजन है, सेम इधर हाइड्रोजन है, इधर एच है, इधर इधर सेम एच है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें सिमेट्री मेंटेन की गई है। ओके, सिमेट्री मेंटेन है, लेकिन यहाँ पे एच है, सेम यहाँ पर भी एच है, अपोजिट साइड। ये सी ओ एच नीचे है तो उसके अपोजिट साइड में ये सी ओ एच ऊपर है। समझ में आ रहा है आपके? तो ऐसे केस के अंदर जब हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, ओके, ड्रॉ करने, जिस तक समझने के लिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर क्या रहेंगे, इसके बॉन्ड्स रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक्स निकाला तो इसके अपोजिट में यहाँ पर अगर जो एक्स है होना चाहिए, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जेड है तो यहाँ पे जेड होना चाहिए, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर ओ होना चाहिए। तो इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो है सेम पार्ट अगर जो प्रेजेंट रहता है कोई स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं फिर इसको, कि मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है। अभी कौन सी सिमेट्री है ऐसा पहचानेंगे आप, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन यानी उसके अपोजिट साइड में सेम इमेज दिखना, इन्वर्जन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर। तो सेंटर ऑफ द सिमेट्री इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच लाइन ड्रॉन ऑन द वन साइड एंड प्रोड्यूस टू द इक्वल डिस्टेंस ऑन अपोजिट साइड मीट एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि साइक्लोब्यूटेन का है, सेम डिस्टेंस पे अपोजिट पॉइंट सी ओ एच है, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी सी ओ एच है, यहाँ पे सी एस थ्री है, सेम डिस्टेंस पे इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में सी एस थ्री है, यहाँ पे एच है, सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में यहाँ पर एच है। तो ऐसे क्या, इसको क्या बोलेंगे आप, कौन से सिमेट्री बोलेंगे फिर उसको, बोलिए। पहला वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें, ये सेकंड वाला, ये कौन सा सिमेट्री रहेगा फिर? हेलो, कौन सा सिमेट्री रहेगा एक?